आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ईपीपी के पार्ट बी को। पार्ट ए में ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियो को देख कर आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ बाकी सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी। आरजे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ईपीपी के पार्ट बी को। पार्ट ए की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियो को देख कर आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अभी तक आपको केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ईपीपी का लिंक लेक्चर नंबर 5 के बाद मिला है। इसके बाद फर्दर सर ने किसी भी डीपीपी का लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करा था। तो हर 5 लेक्चर्स के बाद आपको नेक्स्ट डीपीपी मिल जाएगी। सेकंड डीपीपी का लिंक आप 10th लेक्चर के बाद देख सकते हैं। वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे डलवा दूंगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम इन्हीं डीपीपी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एंड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, एट 518 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ टाइम ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ गैशियस एसिड एल्डिहाइड इनिशियल प्रेशर ऑफ 363 टोर वॉज 410 सेकेंड व्हेन द प्रेशर वॉज 169 टोर द हाफ लाइफ वॉज 880 सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता है। अब हमें पता है nth ऑर्डर के लिए टी हाफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो टी हाफ को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म गिवन है। सो यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर की टर्म को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म से रिप्लेस कर देंगे एंड जो वैल्यूज गिवन है उसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। या अब देखो इसी इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, जो ये वैल्यूज गिवन है, टी हाफ फर्स्ट है 440 सेकंड, सेकंड है 880 सेकंड, इसी तरीके से इनिशियल प्रेशर फर्स्ट गिवन है 363 एंड सेकंड है 169। इन वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगी। अब n माइनस वन जिनकी पावर है उनको इकट्ठे लिख लेंगे एंड बाकी टर्म्स को अलग कर देंगे। सो 363 बाय 169 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन एंड 880 बाय 410। जब आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2.14 रेस्ट टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2.14। सो n माइनस वन किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n माइनस वन इज इक्वल टू 1, सो n इज इक्वल टू 2। सो योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कम्प्लीट इन 20 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक अप टू कम्प्लीट 90% ऑफ रिएक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पार्ट ए में भी डिस्कस किया था। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि जब रिएक्शन 90% कम्प्लीट हो रही है तो उसका टाइम क्या है। अब जीरो ऑर्डर को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी। अब इसी के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जब हमारी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है उस टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है, तो एट टाइम टी कितनी रह जाएगी, 50% 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। इन्हीं वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू हमारे को गिवन है। सो आप इसे इक्वेशन लेट कर लो, 1 है तो ए नॉट हमने लेट कर लिया 100% है, एट टाइम टी इसकी वैल्यू रह जाएगी 50%, टाइम 20 मिनट्स आपको गिवन है। जब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, 50 माइनस 100 करोगे इज इक्वल टू माइनस 20 के, एंड आप इसे निकाल कर देखना के की वैल्यू निकल कर आएगी 2.5। अब क्वेश्चन में 90% के लिए पूछा था तो हम लेट कर लेंगे कि जब रिएक्शन हमारी 90% हो रही है उस टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है, तो एट टाइम टी हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। अब हम के की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही चुके हैं तो टाइम टी हम निकाल सकते हैं। अब आप इन्हें वैल्यूज को पुट करके देखोगे, देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हम लेट कर लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% है, टाइम टी पर 10%, के की वैल्यू हमने निकाली। इन वैल्यूज को जैसे ही पुट किया तो टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी 36 मिनट, ये मिनट आएगा। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी
इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है एंड सी के लिए ओवरऑल रेट लिखना है. मल्टी स्टेप रिएक्शन दे रखी है तो ऐसे ऐसे से करना है. लेक्चर नंबर 5 के बाद जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको बताया गया है किस तरीके से इसे सोल्व करना है. आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं. एक बार हम इसे यहाँ पर भी सोल्व करके देख लेते हैं. तो ये जो रिएक्शन गिवन है मल्टी स्टेप्स है तो इसे हम फर्दर अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है, एक रिएक्शन 1 मान ली है, ये 2 है, ये 3 है. इक्वेशन 1 में हम इसे लेट कर लेंगे. अब जो ये रिएक्शन है इसके लिए डिफरेंशियल रेट लो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू गिवन इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. यहाँ पर माइनस डी ए बाई डी टी लिया है क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है एंड डी बी बाई डी टी एंड डी सी बाई डी टी पॉजिटिव है क्योंकि टाइम के साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है. सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए हम रेट लो यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ पर इसे सही कर लेना, माइनस आएगा एंड ये प्लस आएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस डी सी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के टू इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी. अब हमें सी के रिस्पेक्ट में निकालना था. देखो यहाँ भी डीसी बाई डी टी है, यहाँ भी डीसी बाई डी टी है एंड यहाँ भी डीसी बाई डी टी है. तो हम क्या करें, इक्वेशन 1, 2 and 3 को अगर ऐड कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल रेट लो मिल जाएगा. तो डिफरेंशियल रेट लो के लिए हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस डीसी बाई डी टी था तो माइनस यहाँ पर भी लग जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा. तो इसे सही कर लेना, माइनस के माइनस वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी माइनस के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी. इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो. अब जो सी दे रखा है वो इंटरमीडिएट है तो यानी कि हमें पता है उसे हम ए कॉन्सेंट्रेशन बी एंड डी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. यहाँ से हम सी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालेंगे और जो हमने डिफरेंशियल रेट लो पहले इक्वेशन 1 लेट करी थी उसके अंदर पुट कर देंगे. सी की वैल्यू निकाल के जैसे ही हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी. यहाँ सही कर लेना, माइनस आएगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो ओवरऑल जो आपका आंसर है वो आएगा डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. आपको ऑर्डर बताना है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ भी हो. अब हम लेट कर लेते हैं सिंपल कोई भी रिएक्शन है, ए है वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रही है. अब उसके लिए हम रेट लो कैसे लिखेंगे, रेट लो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अब रेस टू द पावर एन लिख देंगे. अब एन हमें क्या बताता है, पर्टिकुलर कोई ना कोई ऑर्डर बताता है जो रिएक्शन फॉलो करती है. अब यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि जो आपका रेट है वो के इक्वल होगा. के इक्वल कब हो सकता है, अब देखो अगर n की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे ही n की वैल्यू 0 होएगी तो इसका मतलब कि ये आपका 1 बन जाएगा. एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तभी आपका रेट के इक्वल हो जाएगा. यानी कि जब हमारी रिएक्शन 0 ऑर्डर की होगी तभी हमारा जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा. यहां पर यही लिखा हुआ है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन देन वैल्यू ऑफ एन शुड बी 0. 0 होनी थी. अब यहाँ पर इसे टर्म्स में लिख कर बता रखे, यही देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 0 है, इसे आप 1 लिख सकते हैं तो ये रेट के इक्वल हो गया. सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर द रिएक्शन ए ए गिव्स प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टी गिव्स स्ट्रेट लाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यानी कि 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन का जब आप टाइम टी के साथ प्लॉट करते हो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है. तो आपको बताना है कि ऑर्डर कौन सा है. हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ हमारी जो रिएक्शन है इस तरीके से लिखी जाती है. अब देखो इस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो. सो इसको आप y लिख सकते हो, ये आपका इंटरसेप्ट बन गया, ये आपका स्लोप हो गया, तो ये आपकी x हो गया. तो यानी कि आप जब प्लॉट करोगे 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है. तो यानी कि जो आपकी इक्वेशन दे रखी है या क्वेश्चन बोल रखा है वो आपको सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन रिएक्शन वॉज हाफ एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वॉज डबल, बट वट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे ही आपके रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर देते हो रेट आपका हाफ हो जाता है. हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही किया था, हमें पता है टी हाफ एनथ ऑर्डर के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. तो कुछ नहीं करना, बस हमें ये टी हाफ का फॉर्मूला लिखना है. एनथ ऑर्डर के लिए ये होता है.
अब क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, जब डबल करते हैं तो टी हाफ हाफ हो जाता है, तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं, टी हाफ फर्स्ट के लिए, कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट है रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, एंड ये सेकंड के लिए. अब हम लेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में टाइम हमारा टी है टी हाफ, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी हाफ हमारा क्या हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा. जैसे ही हम क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं, तो कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को उठाकर आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, एंड आपका आंसर आ जाएगा. जैसे ही पुट करोगे तो आपके कुछ ये इक्वेशन निकल के आएगी, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये टू यहाँ चला जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी. इसे आप फर्दर अलग करके लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, टू रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड ए नॉट रेस टू द पावर एन माइनस वन. अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो टू इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि आपका वन किसके इक्वल हुआ, एन माइनस वन के, तो आपकी एन की वैल्यू क्या निकल गया, टू निकल गया, यानी कि जो आपका ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर का है, एंड योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अ प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ 4.0 into 10 raised to the power minus 2 liter per mole per second. The time required for 1 molar of reactant to decrease to 0.25 molar is. आपको टाइम बताना है कि जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0.25 molar में कन्वर्ट हो रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है. अब क्वेश्चन के अंदर ही आपको दे रखा है कि जब आप 1 upon a का टाइम के साथ प्लॉट करते हो ग्राफ तो वो स्ट्रेट लाइन आता है. थोड़ी देर पहले भी हमने करके देखा था कि सेकंड ऑर्डर के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, तो यानी कि जो इक्वेशन आपको गिवन है वो सेकंड ऑर्डर की है. अब सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को अगर आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करोगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो देखो एम हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप के इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो आपको वैल्यू भी दे रखी है इसकी. ये आपका इंटरसेप्ट है 1 upon इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, हमें वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्लोप की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻²⁻² लीटर पर मोल पर सेकंड, एंड ए नॉट हमें दे रखा है 1, एंड एट टाइम टी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.25. वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, जैसे ही वैल्यूज को पुट करके देखोगे आप, तो आपकी जो टी की वैल्यू है 75 सेकंड निकल के आएगी, एंड योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए रेट कॉन्स्टेंट यानी कि के की वैल्यू आपको गिवन है 3.0 × 10⁻⁵ per second. If the rate of reaction is 2.40 × 10⁵ mole per liter per second, then the concentration of N2O5 in mole per liter is. हमें N2O5 की concentration बतानी है. हमें पता है हम rate को किस तरीके से लिखते हैं. Rate is equals to constant into concentration raised to the power N. N हमें order बताता है reaction का. तो यहाँ पर K की जो value given है उसके अंदर हमें unit दे रखी है per second. उससे हमें पता लग रहा है जो given reaction है वो first order की है. तो N की value क्या हो जाएगी? अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जो वैल्यूज दे रखी है उसके अंदर पुट करना है. देखो k की वैल्यू गिवन है, रेट की वैल्यू गिवन है, और रेट लो को हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू k इनटू N2O5 रेस टू द पावर n. बस यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दो. जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे, N2O5 की आपको वैल्यू निकालनी है, जो निकल कर आएगी 0.8 मोल पर लीटर. ये पर सेकंड से आपका पर सेकंड कैंसिल होएगा, तो आपका जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको समझ आया होगा. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पे आपको बताना है कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है. तो टी हाफ हमने nth ऑर्डर के लिए निकालने का फॉर्मूला पता है, वहां पर n की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपका किस तरीके से टी हाफ रिलेट करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ. देखो जैसे ही n की वैल्यू पुट करोगे 0 के इक्वल, तो आपकी टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर माइनस वन कॉन्स्टेंट हो गया. हम लेट कर लेते हैं कॉन्स्टेंट को सी कोई है, तो टी हाफ इज इक्वल टू सी बाय ए नॉट आया, तो यानी कि हमारा जो टी हाफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन के. अब क्वेश्चन में आपको सी की टर्म्स में दे रखा है, तो यानी कि आपका सी नॉट इनवर्स आंसर आ जाएगा. सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये. द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 20 years. ये टी हाफ दे रखे हैं आपको. इफ अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड हैज एन एक्टिविटी ऑफ 6400 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट टुडे, इट्स एक्टिविटी आफ्टर 100 years वुड बी. आपको इसकी एक्टिविटी बतानी है. इस तरीके का क्वेश्चन पार्ट ए में किया था, वहां पर आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करती हैं, यानी कि ये रिएक्शन भी जो आपको है फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करेगी. तो फर्स्ट ऑर्डर को के लिए अगर हमें टी हाफ निकालना है तो हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं. जैसे ही हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब देखो 6400 है, इसका हम हाफ करके देखेंगे तो क्या आएगा 3400. सिमिलरली इसका करके देखेंगे 1600 का हाफ 800 का हाफ 400 एंड 400 का हाफ आपका बनेगा 200. अब यहाँ पर आप कितने टाइम्स करें, देखो 1 2 3
फोर एंड फाइव, फाइव टाइम्स आप गए हो, सो 100 इज इक्वल टू 5 इंटू टी हाफ, आप करके देख लो 5 इंटू 20 आपका बिल्कुल 100 के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आपकी फर्स्ट डीपीपी कंप्लीट होती है। अगेन मैं कह रही हूँ, बाकी सारी जो फर्दर डीपीपीज हैं आपको फाइव हर फाइव लेक्चर्स के बाद मिल जाएंगी, तो सेकंड डीपीपी का लिंक आपको 10th लेक्चर के बाद मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। एट द एंड एक ही बात कहूँगी, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।